पेंट वेंट का कैसा है भैया? देखो पेंट क्वालिटी एकदम नई जैसी है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी जब मैंने पहले देखा था तो भाई हम आया था बीच में, तो पेंट क्वालिटी तो मुझे उसी टाइम बढ़िया लगी थी। और बाकी अभी गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे मेरी गाड़ी में पहले नॉइज बहुत ज्यादा थी, वो बिल्कुल नहीं है। पहले क्लच इतना टाइट था कि झटके लेती थी, वो नहीं है बिल्कुल भी, और चलने में बहुत स्मूथ है। मतलब नई जैसी फीलिंग आ रही है, नई जैसी फीलिंग आ रही है ना जी, बिल्कुल। तो यही होता है। और भैया भैया कहाँ से आए थे आप? मतलब मैं आया था भैया दिल्ली का, जनकपुरी। जनकपुरी से आए थे, और आपको मतलब कैसे पता चला मेरे बारे में? मैं आपके पास पहले भी आया था, थ्रू वीडियो ही आया था, 6-7 महीने पहले मैंने इसी गाड़ी में थोड़ा काम कराया था। हाँ, मैंने उसी टाइम से मैंने बना लिया था कि आपसे ही काम कराना, क्योंकि मैंने एक दो जगह और काम कराया था, वहाँ मेरा पागल ही बना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने आपका उस दिन काम देखा, फिर मैंने कहा चलो अब करवा ही लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया। चलो ओवरहीटिंग का मैं दिखाता हूँ कैसा है। गाड़ी नॉर्मल चलती रहती है विदाउट एसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और जैसे ही आप एसी ऑन कर दोगे तो इससे पानी फेंकने लगती है, कूलेंट बोतल भर देती है। देखो बोतल भी देखो कितनी गर्म और मतलब हीट होके मोटी हो रखी है, ठीक है जी। अभी ये कैप मैंने खोला था ठंडी गाड़ी में, कल से खड़ी गई ये गाड़ी, और कैप खोल के मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल पानी पे चल रही है, कूलेंट तो है ही नहीं। और जैसे ही अभी मैंने ढक्कन खोला था ना, ये वाला ढक्कन खोलते ही एकदम इसने पानी बाहर फेंका है, ये सारा चारों तरफ दिखाओ जरा कहाँ कहाँ गया पानी। ये देखो ये सारे रेडिएटर पे, इंजन के ऊपर चारों तरफ पानी बिखर गया था ये, ठीक है जी। ओवरहीटिंग का केस है, तो इसके इंजन को खोलेंगे और कंप्लीट करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आई है। दूसरा भी डेंटिंग पेंटिंग का मैं दिखा देता हूँ। क्लाइडिंग बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, बम्पर फटा पड़ा है, इसको भी चेक करेंगे। अगर ये बम्पर रिपेयर होके चला तो इसको चलाएँगे, नहीं तो इसकी इस बम्पर को रिप्लेस करेंगे, अंदर के बम्पर ब्रैकेट चेक करेंगे। साइड मिरर दोनों तरफ के टूटे हुए हैं, इन दो साइड मिररों को रिप्लेस करेंगे। वाइपर ब्लेड ख़राब है, इसको रिप्लेस करेंगे। लास्ट टाइम जहाँ भी डेंट पेंट हुआ होगा पुट्टी भर भर के पूरा भर के देख रहे हो, एक एक एमएम पुट्टी भर रखी है इस पर, तब इसका डेंट पेंट किया है। इस तरफ बम्पर पे देखो कितनी पुट्टी भर रखी है। ये अगर बम्पर चला तो रिप्लेस करेंगे इसको चलाएंगे, नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे। ये क्लाइडिंग भी इसको बदलेंगे, देखो क्लाइडिंग के ऊपर कितने गंदे तरीके से काम किया हुआ है इसमें। अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और करके यहाँ से देखते हैं, जैसे अगर क्रैंकिंग करते टाइम यहाँ से कूलेंट बाहर फेंका इसने तो क्लियर हो जाएगा। चलो सेल्फ मारो, ये देख रहे हो कैसे आ रहा है, फेंक दिया सारा, ठीक है। चलो दोबारा, ये देख रहे हो, ये देखो नहीं होगी स्टार्ट, ठीक है ठीक है। तो अभी सारा कंप्रेशन यहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है। और अभी इसके इग्निशन कोयल प्लग वगैरह खोल के देखेंगे वहाँ पे पानी है कि नहीं है, ठीक है जी। तो ये हालत है इस इंजन की, तो पहले इस इंजन को करेंगे, फिर इसका जो डेंटिंग पेंटिंग है ना, ये सारा काम कराएंगे इसमें। गाड़ी 21,036 किलोमीटर दिखाई दे रही है मीटर में, लेकिन ये भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चली हुई है। और बात भी हुई थी मेरी, तो भैया मीटर कटवा रखा है या मीटर चेंज हो रखा है, ये दूसरा स्टार्ट इस वजह से ना हो रही हो, कभी फ्यूल नहीं है इसमें, ठीक है ना। अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, स्विच ऑन करके इसकी ब्लोअर मोटर देखो कैसा साउंड कर रही है, बंद तो ये ब्लोअर मोटर को भी करना पड़ेगा, इसका डैशबोर्ड वगैरह खोल खाल के क्लीन करनी पड़ेगी ये ब्लोअर मोटर, ठीक है। और इसका एसी भी कूलिंग कम कर रहा था, कल गाड़ी स्टार्ट तो थी बट अभी स्टार्ट नहीं हो रही, वो देखेंगे क्या रीज़न मिलेगा इसका। फटाफट पहले इंजन खोल लेते हैं। तो अभी बहुत देर तक लंबा सेल्फ मारने के बाद गाड़ी तो स्टार्ट होगी, इससे ये क्लियर हो गया कि इसके यहाँ सिलेंडर में भर गया है पानी। क्लच छोड़ दो, देखो आवाज़ आ रही है, दबाओ ख़त्म, छोड़ो पूरा छोड़ दो, क्लच में आवाज़ है इसमें ठंडी गाड़ी में, ठीक है ना। जैसे ठंडी रहती है तो क्लच की साइड से कर इस तरीके की आवाज़ आती है, अभी ये गर्म हो गई है तो बंद हो गई। ओवर
इसकी हालत इतनी ख़राब है, हीट हो के ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये बोल्ट भी, ये देख रहे हो बोल्ट लगा लगा के चलाई गई है, ये देखो क्लियर दिखाओ नीचे ऊपर के, ये देखो ठीक है, जहाँ बोल्ट टाइट रहता है वहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ नीचे से सब जल के डाउन हो गया है। अब इधर आ जाओ मेन चीज़ पर, इसकी जो भोगली है हीट होके अंदर घुस गई है, खोल रहा हूँ मैं ठीक है, ये देखो पहली इग्निशन कोइल, ये देखो हीट होके फैल गई है, ये बदलनी पड़ेगी, इसकी तो हालत ही ख़राब है ठीक है जी। दो इग्निशन कोइल हो गई, ये तीसरी इग्निशन कोइल, ये एक इग्निशन कोइल इसमें ओके निकली है, तो इसकी दो इग्निशन कोइल भी हमें बदलनी पड़ेंगी। तो अब देखो क्वांटिटी भी 3.5 लीटर हो रही है, और देखो क्या हालत है, लास्ट गाड़ी जो AMT क्विड करी थी उसका भी इंजन की यही हालत है, इंजन ऑयल की देख रहे हो कैसे गिर रहा है, 3.5 लीटर के आसपास क्वांटिटी होगी इस इंजन ऑयल की पानी मिल के, इसी वजह से लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। चलो टाइमिंग खोल लिया इसका, टाइमिंग कवर वगैरह ऑयल सम वगैरह सब निकाल लिए, अभी ये टाइमिंग चैन इसकी निकली है पुरानी वाली, देख रहे हो दांते, ये हर गाड़ी में मिलता ठीक है जी, टाइमिंग चैन रिप्लेस करेंगे, और ये जो बोंड लगी हुई है इस पर कहीं काम हुआ है पहले ठीक है ना, देखो वाइट भी बोंड लग रही है, क्लियर है ना, इस पर काम हुआ है पहले भी टाइमिंग वाइमिंग का, या टाइमिंग कवर रिप्लेस्ड हुआ हो। अब आ जाओ यहाँ ऑयल सम, वाइट बोंड भर रखी है पूरी, वाइट की वाइट लगा के छोड़ दिया, चारों तरफ से लीकेज था ये ठीक है जी। अब इधर से देख लो, पहले तो यहाँ देखो ये इंजन ऑयल इसका कलर देख रहे हो, ऑयल पानी बहुत बुरी तरीके से मिक्स हुआ है इसमें ठीक है जी। अब आ जाओ इधर, ये यहाँ से लगा हुआ भी है, यहाँ से क्लियर है ना, यहाँ से ये लगा हुआ भी है, अगर इसको दोबारा इसको इसी को साफ सूफ करके मैं रिपेस्ट करूँगा, अगर ये लीकेज हो गया तो बदलना पड़ेगा ये ठीक है। अभी ये गंदा भी बहुत है, ये पता नहीं चल रहा है ओरिजिनल भी है या नहीं है, तो साफ सफाई करके इसको चेक करने वाले हैं। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाओ कितनी गंदगी यहाँ भरी हुई है इसमें ठीक है, तो ये बहुत सफाई करनी पड़ेगी, और यहाँ इसमें अंदर भी भर रही होगी, ये देख रहे हो कितनी गंदगी है, ये गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी हमें, पूरे इंजन में बहुत मेहनत करनी है इसके अंदर, क्योंकि ओवर हीटिंग के कंसर्न में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हेड गैस की डाल के काम चल जाएगा, ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है, हेड गैस की डाल के काम नहीं चलता है। ओवर हीटिंग के केस में कोई भी इंजन हो या किसी भी गाड़ी का हो, पूरा इंजन कर दोगे तो ही आप सक्सेस हो सकते हो इंजन गाड़ी के साथ, नहीं तो परेशान हो, कभी हेड खुल रहा है, कभी ब्लॉक खुल रहा है, कभी हेड ऐसा होता है, एक बार में इंजन का काम कराओ, टेंशन खत्म हो जाए ठीक है। तो अभी ये है, अभी इसका हेड निकाल लेते हैं, गैस किट की क्या कंडीशन है, पिस्टनों का क्या हाल है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उठाते हैं हेड, 8 के 8 इसके बोल्ट मैंने निकाल लिए, ये लो जी हेड आ गया बाहर, चलो जी इसको, और ये कंडीशन है इसकी देख रहे हो, मार्क्स देखो इसके, ये पानी आने की वजह से है, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना हेड में, ये वाल जो है इसके एग्जॉस्ट के, क्लियर करते जाओ बिल्कुल फोकस बनाओ, ये पानी की वजह से है ये ठीक है जी। यहाँ हल्का सा इस पर भी पानी है, इस पर भी पानी है, तीनों सिलेंडरों में पानी आया है, ये रीज़न है। देखो ये गैस के ये जो कूलेंट है ना, यहाँ मिट्टी बन के यहाँ चिपकने लग गया है, इसी वजह से हेड गैस्केट जो है इसके ऊपर कट के प्रेशर लीक कर रहा था ठीक है। अब इसकी साफ़ सफाई करेंगे, एल्बो भी खोलूँगा, इसके अंदर वाल ठीक है कि नहीं है वो भी देखूँगा, फिर इसको भेजते हैं खराद पे, इसका वाल का फेसिंग का हेड है जो है ना, इसके वाल वाल सील सीट गाइड सारे वाल चेंज कराऊँगा तरीके से, और हेड की फेसिंग कराऊँगा प्रॉपर तरीके से, हेड का काम कराऊँगा एक नंबर में, एक ही बार में गाड़ी ओके होगी ठीक है। तो अभी ये है, अभी ब्लॉक और पिस्टन की कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो अभी वो हेड गैस्केट जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, अब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कि किस जगह से ये लीकेज हो रहा है, मतलब प्रेशर जो लीक हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा,
इस जगह से देखो कटा हुआ है ना, यहाँ से ये डाउन हो जाता है, तब ये हेड गैस्केट कंप्रेशन को लीक करता है। ऐसे यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ और यहाँ दो जगह से बहुत ज़्यादा लीक होता है। और आप देख सकते हो ये पिस्टन की कंडीशन, देख रहे हो कितना साफ दिखाई दे रहा है, ये पानी आने की वजह से है ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये साफ़ हो रहा है, इसमें भी पानी आया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें कार्बन ज़्यादा है, यानी इसके अंदर बहुत कम पानी आया था। तो पानी ऑयल जो मिक्स हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा था, हेड गैस्केट की वजह से। ये हेड गैस्केट बहुत बुरी तरह डैमेज है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ से भी, यहीं से कोई भी गाड़ी हो यहीं से ही डैमेज होगा कभी। तो अभी पिस्टनों का साउंड सुना देता हूँ आपको, इनमें प्ले बन गया है, लो पकड़ना ज़रा भैया। ये दो नंबर पिस्टन है, ये ठीक है जी। अभी एक और तीन में भी सुनाता हूँ, ये एक नंबर पिस्टन है, प्ले देख रहे हो कितना गैप है। अब तीन नंबर में दिखाता हूँ, ये तीन नंबर है, ये देखो इसमें थोड़ा सा कम है लेकिन प्ले इसमें भी है, ठीक है। तो ये ब्लॉक तो मैंने खोल लिया है, और इंजन के इसके पिस्टन जो है ये भी मैंने निकाल लिए। अभी क्रैंक देखो, क्रैंक बिल्कुल इसकी ठीक निकली है, यहाँ से मुझे ठीक लग रही है, और खराब दिया इसका बता देगा जो भी है, ठीक है जी। ये तो एकदम परफेक्ट काम कर रही है क्रैंक तो, ठीक है। अब आ जाते हैं पिस्टनों पे, हीटिंग का देखो, देख कितनी बुरी तरह हीट हो रहे हैं, यहाँ से पिस्टन काले पड़ गए हैं, ठीक है ना। तो पिस्टनों पे पानी भी बहुत आया हुआ है, नीचे के देखो इसके पीस, ये भी जाम हो गए हैं, मतलब सीज हो गए हैं। कनेक्टिंग रोड का देखना पड़ेगा, ये बैंड वगैरह तो नहीं होगी, ये चेक करवानी पड़ेगी। तीनों पिस्टनों के यही हाल हैं, बहुत बुरी तरह सीज हो रखे हैं पिस्टन, लाइनिंग आ रही है इन पे भी। तीनों पिस्टन बिल्कुल बेकार हो गए, इनको बदलेंगे, और बदल के बढ़िया वाले ओरिजिनल सेट डालेंगे, तब काम कराएंगे। अब इसकी बोर स्लीव चेक कर लेते हैं, बोर स्लीव की क्या कंडीशन है। तो आप देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर इसमें लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर हल्की हल्की सी, ठीक है। तो ये बोर स्लीव भी कट रही हैं, बोर स्लीव को भी हम डलवाने वाले हैं, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो, देख रहे हो ये तो ये बोर स्लीव भी ख़राब है। इंजन का काम हो तो एक बार में हो, छोटी छोटी चीज़ ही देखनी होती है। तो कोई भी चीज़ में हम रिस्क नहीं लेंगे, एकदम जेन्युइन तरीके से इंजन बांधेंगे 4-5 साल के लिए, ठीक है। तो अभी इस इंजन को भेजता हूँ खराब दिया पे, क्या क्या पार्ट हम इसमें डालने वाले हैं सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी, वीडियो में दिखाता भी रहूँगा। चलो फिर इसको ख़राब पर दे देता हूँ, हेड का, ब्लॉक का, अरे पिस्टन, सारी चीज़ें भेज देता हूँ। अभी ब्लोअर मोटर खोला है, और देखो भाई कितना कचरा है इसमें, गाड़ी खड़ी रही होगी ना ये बहुत दिन से, तो देखियो चूहे की वे है ये। अरे तेरी का क्या हालत हो रही है, इसको साफ करते हैं भाई बढ़िया से। तो भाई ब्लोअर मोटर की क्लीनिंग तो कर दी है बढ़िया से, ठीक है। अब इसको लगा के एक बार चला के देख लेते हैं, स्विच ऑन कर दिया है और ब्लोअर मोटर लगा दिए, एक नंबर, कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं। दो नंबर पे हल्की सी एयर की स्पीड बढ़ी, तीन नंबर भी बढ़िया, चार नंबर, ठीक है जी। एकदम ब्लोअर बढ़िया हो गया, इंजन तो आ गया है ये खराद से, ठीक है ना। अभी इसमें देखो ये क्रैंक जो है ये यहाँ से थोड़ा सा सीज मार गई थी, तो इसको पॉलिश वॉलिश करा के ये चला दिए। अब इसके अंदर हमने नया क्या डाला है, देखो यहाँ बीच में हल्का सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये थ्रस्ट वार्सलें डलवा दिए दोनों साइड नई, बोर स्लीव पूरी नई डलवा दी है येरी, ठीक है जी, येरी तीनों बोर में नई स्लीव डलवा दी है, ओके। अभी इसकी बढ़िया से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो फर्स्ट टाइम ये इंजन खुला है ओवर हीटिंग के केस में। और नई टाइमिंग किट, ये देखो ओरिजिनल पार्ट नंबर देख सकते हो, नई टाइमिंग किट है इसके अंदर, ये डालने वाले हैं हम। तीनों पिस्टन न्यू ब्रांड रिनोल्ट 800 cc के, और इसके अंदर होते हैं पिस्टन रिंग, ठीक है। और ये इसके पिस्टन थे तीनों जो भी कबाड़े में चले गए भाई, ये सीज होके ना थोड़ा सा ज़्यादा ही सीज हो गए थे, इसलिए इनको चेंज करना पड़ा मुझे। अब ये हेड असेंबली मैं इसको दिखा देता हूँ आपको,
पीछे से ही देख लेते हैं, पूरा फेस करवाया है हेड को, इसके ऊपर कितना कूलेंट के मार्क्स आए हुए थे, अच्छे से इसकी फेसिंग कराई है और सारे वाल नए डलवा दिए इसमें 12 के 12 इनटेक एग्जॉस्ट के, ठीक है। और अब ऊपर से बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल साफ़ सफाई एकदम बढ़िया तरीके से इसकी हो रखी है। बस इसको हेड को अब खोल के क्या करना है, मतलब जब ब्लॉक को हम गाड़ी के अंदर लगा देंगे, हेड असेंबली को रख के सीधा बोल्ट टाइट करके कंप्लीट कर देना है। हेड गैस किट ये रखा है यहाँ पे नया, देखो कूलेंट एल्बो बियरी नहीं, इसको मैं डालने वाला हूँ। हेड गैस किट की तो भाई मतलब मंगा के रखता हूँ भाई, रेंज है पूरी, ठीक है। ओरिजिनल ये वाला डालने वाला हूँ मैं। इग्निशियन कोयलों का ढेर लगा हुआ है, पिस्टन रखे हुए हैं 800 cc के, मैग्नाइट की बेल्टें रखी हुई हैं, ठीक है ना। ये देखो 1000 cc के पिस्टन क्विड के, ये देखो ये मैग्नाइट की कूलेंट एल्बो वगैरह रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लाईव्हील रखा है क्विड का, तो बस ये है, ये सब नया ओरिजिनल। टैपिट कवर वगैरह, टैपिट कवर, ऑयल सब, ये सब चीज़ पड़ी है यार, एक नंबर है सारा। तो बस अब इसको साफ़ सफाई कर लेता हूँ पहले, फिर फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं गाड़ी को, मतलब इसको इंजन को बांधना स्टार्ट करते हैं। साफ़ सफाई हो गई है बढ़िया से, देखो कैसे चमक रहा है। ये देखो बोर स्लीव एरी नहीं है ना, तीनों गिलासों में एकदम बढ़िया से सफाई हो गई है। मेन चीज़ अंदर ही होता है, अंदर सफाई एक नंबर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई हो गई है यार, इधर से भी देखो है ना। बस अब इसमें क्रैंक रखते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, इंजन को इंस्टॉल करते हैं पूरा। तो भैया क्रैंक शाफ्ट फिट कर दिए एकदम प्रॉपर, ठीक है जी, एक नंबर घूम रही है। अब इसमें लगाते हैं पिस्टन न्यू ब्रांड, ठीक है जी। रिंग भी डाल दिए हैं इसमें, ये ऊषा के हैं अगर आप पढ़ सकते हो तो, और इसमें दिखाई दे रहा हो तो अभी देखता हूँ ज़रा क्लियर हो जाए तो। अब देखो USHA, ठीक है जी, ऊषा के हैं ओरिजिनल। तो इनको फिट कर देता हूँ। पुराना क्लच बैरिंग निकाला है, देखो कितनी बुरी हालत है, और यहाँ से ये तो डैमेज भी हो गया है। नया क्लच बैरिंग में इसमें डाल रहा हूँ, ग्रीस लगा दिया है, फोर्क की बढ़िया से सफाई कर लिए। अब इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे आएगा ये रख के। अब इसको इसमें लगा दे रहा हूँ, सिंपल ऐसे रख के इसको अंदर की तरफ फिक्स कर दो, ये वर्किंग इसकी हो गई, ठीक है जी, बस छोड़ दो। तीनों पिस्टन टाइट हो गए हैं, प्ले एकदम 0-0 है भाई। और ये देखो ये मार्का ना टाइमिंग की तरफ होता है, इधर टाइमिंग चैन चलती है, ठीक है जी। अब यहाँ लगाएंगे इसकी जो क्रैंक की वो होती है मैनुअल सील वाला ब्रैकेट, और फिर इसके बाद फ्लाई व्हील और क्लच रख के इसको लगाते हैं इंजन को, हाफ असेंबली को इनबिल्ड करते हैं। चांदी से चमक रहा भाई इंजन, देख रहे हो। चलो फ्लाई व्हील टाइट हो गया है, ओरिजिनल वैल्यू का क्लच सेट में इसमें डाल रहा हूँ, देखो, ठीक है जी। ये तो क्लच प्लेट हो गया, और ये है क्लच सेट, फ्रेशर प्लेट सॉरी, ये देखो वैल्यू। इसको लगा देता हूँ मैं, असेंबली फिट कर दिए, कंप्रेसर वगैरह सब टाइट कर दिए, एकदम साफ सफाई बढ़िया से हो रखी है। अब हेड रखते हैं गैसकेट रख के, हेड असेंबली कंप्लीट है। अब इसमें मैं नई कूलेंट एल्बो डाल रहा हूँ, रेनॉल्ट का लोगो, ठीक है जी, कंप्लीट एकदम नई, और नया ही इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में इसमें डाल रहा हूँ, इस पर भी आप लोगो देख सकते हो। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओवरहीटिंग का केस है, पुराना सेंसर ख़राब था उस पर मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूँ, रिस्क नहीं लेंगे भाई दोबारा से। हेड गैसकेट रख दिया है, अब हेड रखते हैं, हेड असेंबली रख दिए, टाइट भी कर दिए भाई प्रॉपर, टाइमिंग वगैरह लगा के टाइमिंग कवर वगैरह सब लगा दिया है, ठीक है जी, नीचे तक एकदम बढ़िया तरीके से साफ सफाई के साथ। टैपिट कवर पे बोंड लगा दी है, देखो ओरिजिनल कंपनी वाली बोंड यूज़ करते हैं भैया ये वाली, ठीक है जी। ऑयल सम्प हमने लगा दिया है, पुराना वाला ही साफ़ सफाई करके बढ़िया से अल्टरनेटर वगैरह लगा दिए, और प्लग पुराने वाले ही हैं यही लगा दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महीनों पहले ही मैंने इसमें डाले थे, 1000 किलोमीटर भी ये चले नहीं हैं, ठीक है। तो अब टैपिट कवर रख देते हैं, इंजन की सफाई देख लो, सफाई बहुत ज़रूरी होती है अंदर बाहर से। तो अभी भाई टैपिट कवर वगैरह सब लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लग भी लगे हुए हैं,
और अब सुबह आके इसकी फिटिंग करेंगे, और क्योंकि 12 घंटे मिनिमम छोड़ना होता है कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। कंपनी कहती है, रिनोल्ट हो या निसान हो, कि टैपिट कवर हो या ऑयल सम, इनको चिपकाने के लिए जो बॉन्ड होती है ना, इसको सूखने के लिए 12 घंटे मिनिमम चाहिए। तो छोड़ देते हैं, रात भर में सेट हो जाएगी। अगली फिटिंग कल करके गाड़ी को स्टार्ट करके चला वला के देखते हैं। तो इनटेक मैनिफोल्ड वगैरह, इंजेक्टर रेल वगैरह सब चीज़ें लगा दी हैं भाई। वायरिंग का भी पूरा जो इसका हिसाब से थी वायरिंग वैसे ही फिट कर दी है। अब इसमें इग्निशियन कोईल लगाते हैं। ये रही दोनों ओरिजिनल निशान की, पार्ट नंबर चेक कर लो, कोईल इग्निशियन, कोईल इग्निशियन। इन्हें डालता हूँ ज़रा। तो ये हैं दोनों, देखो ओरिजिनल हिताची, ठीक है जी, और ये भी हिताची। अब इनको लगा देता हूँ मैं। कोईल लगा दी हैं दोनों नई, ठीक है, ये पुरानी है 5W30 फुल सिंथेटिक। ये इंजन ऑयल में इसमें डाल रहा हूँ। गाड़ी कंप्लीट कर दी है भाई एकदम प्रॉपर तरीके से। अभी स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है जी। सारे पाइप वगैरह सब लगा दिए हैं, कोयल वगैरह दोबारा से दिखा देता हूँ। चलो अभी स्टार्ट करके देखते हैं। कंप्लीट करी, कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट की, देखा तो मिसिंग करने लगी। स्कैन किया तो 2 नंबर इसकी इंजेक्टर की वायर टूटी पड़ी है यार, बताओ, बिल्कुल जॉइंट पर से टूट रही है यार। तो भाई 2 नंबर इंजेक्टर की तार जोड़ दी है, और ये भी सेंसर की वायर भी ओके कर दी है, ठीक है जी। अभी एकदम इंजन स्मूथली स्टार्ट है। चेक इंजन लाइट आ गई थी गाड़ी के अंदर, तो अभी वो भी चली गई है स्टार्ट होते ही गाड़ी के, ठीक है जी। बस अभी देखते हैं इसका फ़ैन कितने पे चलता है। तो भाइयों कूलिंग फ़ैन चल चुका है गाड़ी का, बंद भी हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से, कोई कूलेंट बाहर नहीं फेंक रहा। मैक्स तक मैंने इसके कूलेंट की लाइन बनाई थी, यही नीचे कूलेंट है इसमें, ठीक है, और मैक्स तक ही है, मतलब मैक्स से नीचे ही है, यहाँ तक ही है। तो बहुत बढ़िया, 10-15 बार और फैन चला देते हैं, फिर इसके बाद गाड़ी को आगे से कंप्लीट कर देंगे, फिर इसे डेंटिंग पेंटिंग पे देते हैं गाड़ी। अब देखो ये है फैन, ये अभी देखना आप प्लेस का, ये देखो, ये किसी दिन टूट के फिर वही सारा कांड कर देगा। देख रहे हो कितनी बुरी तरह पिली है इसमें, ये तो इसको बदलना ज़रूरी है। ओवरहीटिंग के केस में हमने गाड़ी को किया है, और अब ये इसी की वजह से बाय चांस दोबारा ओवरहीट हो गई तो फिर दोबारा मामला ख़राब। अभी तो ये चल गया काम ऐसे ही, अगली बार इसका ब्लॉक या हेड चेंज करना पड़ जाएगा अगर दोबारा बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई, तो इसलिए ये बदलना ज़रूरी है अभी के अभी। नई फैन असेंबली इसमें डाल दी है दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हो कस्टमर रेनॉल्ट निसान स्टिकर के ऊपर, ठीक है, नया डाल दिया है एकदम। गाड़ी का एसी ऑन कर दिया है, कंप्रेसर भी ऑन है। तो अब डेंटिंग पेंटिंग के लिए दे दी है मैंने, और ये दोनों बम्पर ब्रैकेट हैं फ्रंट के, ये नया बम्पर ले आए हैं, ब्लैक कलर में ही आता है बम्पर, ठीक है जी। इस पे से नंबर प्लेट निकाल के इसके ऊपर लगेगी, ये ग्रिल लग जाएगी इस बम्पर में, ये फोग लाइट के कवर वगैरह ये सब लग जाएंगे। और भी चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ। ये दोनों क्लाइडिंग हैं लेफ़्ट और राइट की, ये कहाँ लगती हैं वो बताता हूँ मैं आपको अभी। और ये 2 वायर हैं डिग्गी लैच वाली, मतलब डिग्गी ओपन करने वाली और फ्यूल टैंक का ढक्कन ओपन करने वाली। और जो क्लाइडिंग है ये है वो जो पन्नी में पैक थी ना, ये बिल्कुल बेकार हो रखी हैं, देखो एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। ये साइड मिरर भैया खुद लेके आ रहे हैं, कह रहे दोनों साइड के साइड मिरर मैं खुद लेके आऊँगा, तो इसलिए बस ये है अभी, तो यही डाल रहे हैं, और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाएंगे वीडियो में आगे आगे। पूरी गाड़ी डेंट पेंट हो रही है, पेंट की तैयारी चल रही है।
रबिंग स्टार्ट हो गई है अब इस पर, पूरी गाड़ी पे ऐसे ही रबिंग लगेगी, फिर इसके बाद पॉलिशिंग होगी, फिर देखेंगे गाड़ी कैसे निखर के आती है। गाड़ी हो गई है एकदम तैयार आगे से, साइडों से साइड मिरर भी नए डाल दिए भैया ले आए थे। पीछे से साइडों से मतलब चला के और देख लेते हैं गाड़ी को। वैसे तो इंजन से तो ओके है ही, मैंने चला ही ली थी, अब बस भैया ही चलाएंगे गाड़ी को, भैया ही फीडबैक देंगे जो लगेगा। तो इसमें ओवरहीटिंग का इशू था, उसी टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत जैसे होता है एयर ब्लिंग करके कूलेंट की और सेंसर वेंसर भी चेक किया था। उस टाइम पे लोकल ECT सेंसर पड़ा हुआ था गाड़ी में और टैपेट कवर भी इसका रिपेस्ट किया था। तो भैया को बोला था चला के देख लो, अगर चल जाती है तो ठीक है, बट ये चली नहीं कुछ किलोमीटर के बाद फिर बैक दिया था ना जी। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अब जब अब लेके आए थे ना भैया, तो एक दिन गाड़ी खड़ी रखी थी मैंने, भैया शाम को 3-4 बजे छोड़ गए थे। अगले दिन मैंने 10-11 बजे इसका इंजन खोलना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले रेडिएटर कैप निकाला, कम से कम 12 से 14 घंटे गाड़ी खड़ी थी। कैप खोलने के बाद कम से 1 लीटर पानी फेंक दिया था इसने गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट थी। और जब खरादिया पे चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि लास्ट स्टेज पे चल रही थी गाड़ी, अगर ये और थोड़ा चल जाती 1500 किलोमीटर या तो ब्लॉक बदलना पड़ता या हेड बदलना पड़ता। ठीक है, तो नॉर्मली 35 से 40 तक नॉर्मल खर्चा आता है एक नंबर में जेन्युइन पार्ट के साथ, और फिर ये हेड बदलना पड़ता तो 60-70 तक चला जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो काम बहुत बढ़िया होगा। अभी बस भैया का जेन्युइन फीडबैक है जो भी है, और हर वीडियो में मैं कहता हूँ जो भी फीडबैक होता है वो ओरिजिनल होता है। तो भैया सेटिस्फाइड हो फुली गाड़ी में? जब आप आए थे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं थी, कूलिंग नहीं थी, और जिससे भी स्मूथ चल रही है एसी पे इतनी स्मूथ चल ही नहीं रही थी। इधर से ले लो। तो अभी एसी में भी मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि इंजन की परफॉर्मेंस अगर डाउन चली जाती है ना, पिकअप वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो कंप्रेसर लोड लेने की वजह से वो एसी भी अच्छे से काम नहीं करता। अभी एसी में हमने कुछ नहीं किया था, वीडियो में देखा होगा, अब एसी भी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो यही था, इस गाड़ी का पूरा डेंट पेंट हुआ है। मैं सोच तो ये रहा था कि अलग अलग दोनों वीडियो बनाऊँ, पर एक ही में मैंने इसलिए ले लिया कि आपको पता रहे कि सारा काम एक ही जगह हो जाता है। और काम बहुत बढ़िया, मैं तो ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा जो भी निसान क्विड वाले हैं आ जाओ आँख बंद करके। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।